आजकल गर्मियों में कच्चा आम खूब आ रहा है, तो आज मैं इसी कच्चे आम और पुदीने की एक बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी बनाने जा रही हूँ। ये चटनी आप चाहे दाल चावल या सब्जी रोटी के साथ एज अ साइड डिश बनाइए, या फिर आप पकौड़ों या समोसों के साथ भी इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल माई गुड किचन, और चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं पुदीने और कच्चे आम की हरी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप पुदीने के साथ में 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही काला नमक लिया है, कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लिए हैं 2 लौंग, 1 जायफल, 5 साबुत काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चटनी थोड़ी स्पाइसी ही पसंद है। 1 कच्चा आम लिया है, पर ये हम पूरा नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे। तो ये बड़े साइज़ का आम है, मैं इसका एक साइड का पोर्शन ले लूँगी और साइड में से थोड़ा सा और निकाल लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम कच्चे आम को छील कर काट लेते हैं। इस चटनी के लिए ना इस तरह का आम जो अंदर से थोड़ा सा पीला हो गया है ये बेस्ट रहता है, क्योंकि इसकी खटास थोड़ी सी बैलेंस्ड होती है, ये थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर लिए होता है। तो इस तरह के आम से ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। बट इन केस अगर आपका आम जो है वो अंदर से हरा है तो इससे थोड़ा कम डालिएगा, नहीं तो चटनी कुछ ज़्यादा ही खट्टी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चटनी में जो आम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही हरा खट्टा आम है, तो आप उसके साथ में 1 चम्मच चीनी ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे उसकी खटास बैलेंस हो जाए। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये आम ऑलरेडी हाफ राइप है, तो ये खट्टा मीठा टेस्ट लिए हुए है, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने मिक्सर जार में कच्चा आम डाल दिया है, साथ ही में मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, मुझे तो तीखा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आपने शुरू में देखा होगा मैं इस चटनी में थोड़े खड़े गरम मसाले भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि इस चटनी को एक बड़ा अच्छा स्पाइसी फ्लेवर देंगे। तो मैंने इसमें 2 लौंग डाल दी हैं, इसके साथ ही 5 काली मिर्च के दाने भी चले जाएंगे, इसके साथ ही बड़ी इलायची भी चली जाएगी। अब इस जायफल को हम कद्दूकस करके डालेंगे। जायफल बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर ही डालिएगा, इतने से ही फ्लेवर आ जाएगा। इस चटनी को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, टेस्ट में तो ये अच्छी लगेगी ही, पर ये पौष्टिक भी बहुत है, पेट के लिए बहुत अच्छी है और नॉर्मल खाने के साथ भी अच्छी लगती है। इंडियन स्नैक्स जैसे समोसे, पकौड़े, कबाब, इन सब के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो मैंने जार में पुदीना डाल दिया है, अब इसके साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी, और इसे अब हम पीस लेंगे। तो चटनी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे अब हम एक कांच के बोल में निकाल लेंगे। इसे आप अपने रोटी, पराठे, दाल चावल या बिरयानी या किसी भी इंडियन स्नैक्स के साथ बनाइए और इंजॉय करिए। आपने पुदीने की चटनी कई तरीके से बनाई होगी, लेकिन ये एक यूनिक रेसिपी है जिसमें मैंने गरम मसालों का भी यूज़ किया है, जो इसे एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर देते हैं। आप इसे बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा, ये बहुत अच्छी बनेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये हरी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।